केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पिंगली वेंकैया के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जन्म जयंती के अवसर पर ही तिरंगा उत्सव कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत सेनानी गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ही आजादी के गुमनाम नायकों को जन जन तक पहुंचाना और हर घर तिरंगा कैंपेन आयोजित करना ही हमारा लक्ष्य है। महान स्वतंत्र सेनानी पिंगली वेंकैया जी का 146वीं जन्म जयंती है। श्रद्धांजलि देने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने हमारी आन बान शान देश की निशान तिरंगा को बनाने का काम किया, उसको लोगों के बीच में प्रस्थापित करने का काम। मोदी जी ने निर्धारित किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को रंगे चंग के साथ मनाया जाए। सभी लोगों को ये अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तिरंगा उत्सव जिसके मद्देनजर कई कार्यक्रम मनाए जाएंगे, 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाया जाएगा, बाइक रैलियां होंगी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां से शुरुआत हुई। यहां पर पिंगल वेंकैया जिन्होंने तिरंगा डिज़ाइन किया था उनका सम्मान में कार्यक्रम के साथ इसकी शुरुआत हुई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की और इसके साथ साथ मीनाक्षी लेखी, जी किशन रेड्डी समेत कई नेता मौजूद रहे। और यहाँ पर कई आज से इसकी शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम मौजूद हैं और यहाँ पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। तिरंगे हाथ में लेकर के लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं और यही एक अवधारणा रखी गई है कि अब हर घर में 20 करोड़ घरों में तिरंगा लगाना है और हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। DP तक चेंज करने को कहा दिया, कई लोग चेंज कर रहे हैं, लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी इसका समर्थन कर रहे हैं और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तिरंगे लेकर के। बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से लोगों में जोश और जुनून है। ऐसा सम्मान आपने पहले कभी देखा तिरंगा इस बार इस तरह से लग रहा है? एक अद्भुत उत्सव है जिसकी कल्पना ही की होगी किसी ने, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। कुछ कहने को भी नहीं हो रहा है, बस तिरंगे को तिरंगा और तिरंगा और तिरंगा। बस इतनी तैयारियां घरों पे तिरंगा लगाने की तैयार हो? बिल्कुल, पूरी तैयारियां हो रही हैं और आज हम सब मिलकर पिंगले वेंकैया नायडू जी जो आज तक पता ही नहीं था काफी लोगों की कि उन्होंने इस तिरंगा की रचना की, आज हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। आप देख सकते हैं अपार जन समूह है और बड़ा खुशी का माहौल है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं और घर घर तिरंगा आज से 15 तारीख तक आपको हर घर पर नजर आएगा। अभी तिरंगा हाथ में लेकर आई है और कितने लोगों को आह्वान करती है? कहा भी गया कि सोशल मीडिया पे आपने DP चेंज करने, आपने कर दी? मैंने अपने तीनों सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, मेरी फेसबुक पर, मेरे दोनों मोबाइल की DP सब चेंज हो चुकी है और मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप सभी अपने सोशल मीडिया पर अपनी DP चेंज करें और तिरंगा लगाइए अपने सैनिकों के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, आप उत्साहित हैं? इस पूरे प्रोग्राम को देखा आपने, किस तरह से तिरंगे? सर, ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, हमारे झंडे का इतना सम्मान देखकर मेरी आंखों से तो आंसू निकलने को तैयार हो रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सम्मान होता होगा। जो मेरे घर के आसपास झंडा नहीं भी लगाएगा मैं उसको जरूर बोलूंगी कि झंडा लगाओ, नहीं लगाएंगे तो मैं उनको दूंगी। तब आज अपने अंदर से ही जागृत हो रहा है कि हाँ, हम भारत के वासी हैं। तो बिल्कुल, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और सब में जोश है, उमंग है और सब यह कह रहे हैं कि झंडा चाहे अपनी DP हो या घर हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर लगाया जाए। और एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा दूँ, खचाखच ग्राउंड जो है इंडोर स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ है, सब जगह तिरंगे झंडे आपको
नज़र आएंगे। और यहाँ पर एक जिस तरह से कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इसकी शुरुआत की गई है, एक जोश उमंग के साथ पूरी इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले कई दिनों तक 15 अगस्त तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और जगह जगह हर जगह तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पार करने की कवायद में सारे लोग जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। जिस तरह से आज हमने देखा कि हर किसी में जोश है, हर कोई तिरंगे के सम्मान में खड़ा हुआ है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़।